के खुलती दिल की बंद खिड़कियाँ। हम है मदहोश लड़कियाँ, मदहोश लड़कियाँ, ये है मदहोश लड़कियाँ, मदहोश लड़कियाँ। आओ यारो डांस करें, आपस में रोमांस करें, आओ यारो डांस करें, आपस में रोमांस करें। हंसना गाना, हर टेंशन को दूर भगाना, चीयर्स। चलो किसी डिस्को में जाएं, विस्की पिए और पिलाएं, मदहोशी में वापस आए, चीयर्स। चाहे आंधी आए, चाहे बरसे बिजलियां, हम हैं मदहोश लड़कियां, मदहोश लड़कियां, ये है मदहोश लड़कियां, मदहोश लड़कियां। ये जाम न होंगे, जियो हजारों साल दुआएं देती तितलियां, ये है मदहोश लड़कियां, मदहोश लड़कियां। आओ यारो डांस करें, आपस में रोमांस करें, आओ यारो डांस करें, आपस में रोमांस करें। दारू पी के खुलती दिल की बंद खिड़कियां, हम है मदहोश लड़कियां, मदहोश लड़कियां, हम है मदहोश लड़कियां, मदहोश लड़कियां, हम है मदहोश लड़कियां, मदहोश लड़कियां। आओ यारो डांस करें, आपस में रोमांस करें, आओ यारो डांस करें, आपस में रोमांस करें, आओ यारो डांस करें, आपस में रोमांस करें। चीयर्स। हेलो, हैप्पी बर्थडे डेसी मैडम। जादव, तुम मेरा बर्थडे कैसे जानते हो? ये पूछो कि हम आपके बारे में क्या नहीं जानता है। अच्छा, गौर किया मेरी बात पे? जादव, जो मैं एक बार ठान लेती हूँ फिर मैं दोबारा सोचती नहीं हूँ, समझे तुम? फोन मत रखना, अभी तो तोहफा देना बाकी है। अगर तुम मुझे कोई तोहफा देना चाहते हो ना, तो तुम मुझे ये गिफ्ट दे दो कि तुम मुझे कभी फोन मत किया करो, समझे तुम? बदतमीज कहीं का। मेरा फोन काटा, भाऊ का फोन काटा, पक्या को बुला रहे, फिर फोन आ गया इसकी तो। ओ चड्डा साहब। हेलो जी चड्डा साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू यू डेजी मैडम, हैप्पी बर्थडे टू यू मैडम। ओ जी मैडम जी, मुबारक, जन्मदिन मुबारक जी। ओ चड्डा साहब, आपको भी मेरा बर्थडे याद है? ओ जी कमाल है, आप जिए हजारों साल और हर साल के दिनों 50 करोड़ जी। अरे चड्डा साहब, इतनी लंबी उम्र किसको चाहिए, पर हाँ इतना जरूर है जो समय अच्छा बीत जाए वही अपना है। और जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए किसे पता है। ओ जी मैडम, ना जी ना, ऐसे शुभ मुहूर्त पे, ऐसे शुभ दिन पे ऐसी अशुभ बात नहीं करनी चाहिए। हाँ चड्डा साहब, मैं आपको फोन करने ही वाली थी, एक जरूरी काम है। जरूरी काम? वो मैं आपको मिलके बताऊंगी। बस कल सुबह आपके दीदार यार करने आ जाऊंगा जी। ठीक है, गुड नाइट। कौन कहता है डीजी मैडम? लो जी आ गया डीजी मैडम का घर। आज तो कोई कुड़ी भी नहीं मिली, नहीं तो फिर से मुझे आगे से गिला कर देती और डीजी मैडम मेरा मजाक उड़ाती। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट के नाम कर दी और मेरे नाम क्यों नहीं कर दी? ये तो चलता ही रहता है। ये भी तो सारी की सारी कट्ठी मर गई है। बाप रे बाप, हैंगओवर तेरी आंखों का। ओ जी कमाल है, डेजी मैडम तो कहीं नजर नहीं आ रही।
मैं क्या मैडम जी? ओ मैडम जी, ओ मैडम जी, ये तो टल्लियों की सो रही है। ओ मैं क्या मैडम जी? गुड मॉर्निंग चड्डा साहब। गुड मॉर्निंग मैडम। ये क्या तुम लोग अभी तक सो रहे हो? वो कल दिन भर और रात भर आंटी की बर्थडे की पार्टी चलती रही, इसलिए हम लोग सब यहीं सो गई। ओ मैं क्या जी, वो डेजी मैडम को जरा बुला देंगे? श्योर सर, अब बैठिए ना। संभाल के डेजी आंटी उठो ना, डेजी आंटी। उतरी नहीं है, क्या होगा? आ जाओ बबली। अरे बबली क्या हुआ? बबली क्या हुआ? फिर क्या हो गया मैडम जी? मैडम जी मैडम जी वकील साहब आप यहाँ? पांडे जी अच्छा हो गया आप आ गए। कैसे हुआ ये सब? बस पांडे जी क्या बताएं, मैं तो अभी आया था जी, मैडम का फोन आया था, बोली थी पेपर में कुछ चेंज कराना है और मैं फाइल लेकर आया था, और जैसे ही मैं घर में आया तो मैंने कुड़ियों को देखा, सबके सब सोई पड़ी थी, तो मैंने इस लड़की को कहा कि बबली प्लीज आप मैडम जी को बुला दीजिए, तो ये अंदर आई और इनकी चीख की आवाज सुन के हम सब दौड़ के अंदर आ गए, तो देखा मैडम। तुम सब लड़कियां यहीं रहती हो ना इस घर में? जी सर। तुम्हें कुछ नहीं पता कैसे हुआ ये सब? हमें नहीं पता सर। नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। चीखने की आवाज या आते जाते देखा किसी को? नहीं सर। तुम में से बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? बबली ने। मैंने। कैसे? दरअसल हम देर रात तक पार्टी कर रहे थे, कल इसी आंटी का बर्थडे था और हम लोग पार्टी के बाद ऐसे ही सो गए। सुबह जब चड्डा साहब घर पर आए तो उन्होंने आंटी को बुलाने के लिए कहा, और जब मैं आंटी को बुलाने के लिए कमरे में आई तो मैंने देखा रोहन कहाँ है? सर पार्टी के बाद रोहन और लक्की अंकल रात में ही निकल गए, ये हादसा कब हुआ हमें नहीं पता। ये घड़ी किसकी है? हमें नहीं पता सर। रोहन की घड़ी है ये? नहीं सर। आप लोगों ने बताया कि कल पार्टी में रोहन और लक्की सिंह आए थे, ये एक जेंट्स घड़ी है, या तो ये घड़ी लक्की सिंह की है या फिर कोई तीसरा भी था जो इस घर में आया था। सर
आपको एक बात बतानी थी। बताओ।